नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज पेयर के साथ अभ्यर्थियों की बात आज होगी, लेकिन उससे पहले छात्र नेता दिलीप ने बीपीएससी को क्यों चेता दिया, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन की तैयारी अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी TRE1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। द्वितीय परीक्षा तो 7 दिसंबर से है, लेकिन उससे पहले सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट की कवायद है वह अभी तक पूरी नहीं की गई है। अब अभ्यर्थी परेशान है, गर्दनी बाग में धरने पर बैठे थे, उसके बाद बीपीएससी पहुँचे, लेकिन निष्कर्ष और समाधान कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा देने से भी परहेज कर रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा देने से क्या फ़ायदा है जब इंतज़ार करना पड़ेगा, जब पास करते हैं तो आयोग लेट करती है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। आयोग के तरफ से भी अभी किसी तरह का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी बीपीएससी TRE1 का फेज वन का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब निकलेगा, कब आएगा, क्या इसमें धांधली और सेटिंग चल रही है। हालांकि अतुल प्रसाद ने यह भी साबित कर दिया है कि जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो कमांड रूम था, वो तस्वीर न्यूज पेयर ने आपको दिखाई थी, CCTV से लैस, बिहार के कोने कोने में परीक्षाएं चल रही थी, CCTV से मॉनिटरिंग किया जा रहा था। अभ्यर्थियों को अब भी विश्वास है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद अभ्यर्थियों के हित के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लेट क्यों हो रही है। अभ्यर्थियों का डर है कहीं सेटिंग का खेल तो नहीं चल रहा है आयोग के अंदर, या कारण कुछ और है। क्या कारण है कि आखिर रिजल्ट आने में देर हो रही है। तो छात्र नेता दिलीप ने भी आयोग से बड़ी मांग की है कि अगर बीपीएससी TRE1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में लेट होती है, धांधली होती है, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की तैयारी हो रही है, अभ्यर्थियों में आग सुलग रही है कि आखिर कब तक इंतजार करें, कब आएगा रिजल्ट, बीपीएससी TRE1 फेज वन का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। 7 तारीख को द्वितीय परीक्षा है, लेकिन रिजल्ट फेज वन का कहाँ है।